हाँ तो भाई सवाल में कह रहे हैं कि जमील सब्जियों की काश्तकारी करता है और इस मौसम में वो गोभी और पालक की फसलें लगाता है भाई पिछले साल इस मौसम में उसने टन गोभी की फसल फ़ी एकड़ पर लगाई जबकि नौ टन पालक की फसल फ़ी एकड़ पर लगाई थी और उस साल कुल तिरानवे टन सब्जियों की फसल लगी थी अच्छा इस साल जमील ने सिर्फ दो टन गोभी की फसल फी एकड़ पर लगाई जबकि तीन टन पालक की फसल फी एकड़ पर लगाई और भाई कुल इकतीस टन सब्जियों की फसल लगी अब सवाल पूछ रहे हैं कि जमील के पास गोभी की फसल लगाने के लिए कितने एकड़ ज़मीन मौजूद है और उसके पास पालक की फसल लगाने के लिए कितने एकड़ ज़मीन मौजूद है भाई ये तो हो गया हमारा लंबा चौड़ा सवाल और अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं तो भाई सबसे पहले हम इन दोनों नामालूम मकदार के लिए कोई वेरिएबल्स चुन लेते हैं चलें ऐसा करते हैं कि गोभी की फसल के लिए जितने एकड़ ज़मीन है उसकी निशानदेही हम कर लेते हैं बी से और पालक के लिए जितने एकड़ ज़मीन मौजूद है उसको दिखा देते हैं हम एस से अच्छा अब पिछले साल कुल कितने टन गोभी काश्त की गई थी और ये मैं यहाँ लिख दूँ कि हम पिछले साल की बात कर रहे हैं हाँ तो भाई हर एकड़ पर अगर छः टन गोभी लगाई गई थी तो बी एकड़ पर कुल ज़रब भी गोभी लगाई गई होगी और बिल्कुल इसी तरह अगर पिछले साल नौ टन पालक फी एकड़ पर लगाई गई थी तो S एकड़ पर कुल नौ जरब एस पालक लगी होगी तो भाई जब हम इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास कुल सब्जियों की फसल कितनी है वो आ जाएगी और सवाल में हमें ये जानकारी भी दी हुई है भाई पिछले साल कुल तिरानवे टन सब्जियों की फसल लगी थी तो ये सब बराबर हो जाएगा तिरानवे के हाँ तो अब बात करते हैं इस साल की भाई इस साल जमील ने दो टन गोभी की फसल फी एकड़ पर लगाई है तो बी एकड़ पर कुल दो जरब बी टन गोभी की फसल लगी होगी और इसी तरह अगर तीन टन पालक की फसल फी एकड़ पर लगाई जा रही है तो ऐसे एकड़ पर कुल तीन जरब एस टन पालक की फसल लगी होगी और भाई अब जब हम इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो कुल कितने टन फसल इस साल होगी है वो हमें मालूम हो जाएगी और खुदा भला करे इनका ये अहम जानकारी भी हमें सवाल में दी हुई है तो भाई सवाल के मुताबिक ये बराबर है इकतीस के अच्छा अब हमारे पास एक ऐसा निज़ाम आ गया है जिसमें दो लीनियर हैं, और दोनों इक्वेशंस में हमारे पास दो दो नाम वेरिएबल्स हैं और भाई इस तरह के बहुत से इक्वेशंस के निज़ाम हम पहले ही हल कर चुके हैं तो ये तो बस हमारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए चले काम शुरू करते हैं और सबसे पहला काम तो मैं ये कर लूँ कि इस इक्वेशन को यहाँ वापस लिख लेते हैं ताकि भाई इस पर मज़ीद काम करना आसान हो चलें भाई ये तो आ गई हमारी पहली इक्वेशन। और अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल रह जाए ताकि हम उसके लिए इस इक्वेशन को हल कर सकें तो सबसे पहले तो हमें चुनना होगा कि हम किस वेरिएबल को फ़िलहाल निकालना चाह रहे हैं या एलिमिनेट करना चाह रहे हैं चलें ऐसा करते हैं कि बी को निकाल फेंकते हैं तो भाई बी पे ये जुल्म करने के लिए हमें इस इक्वेशन का सहारा लेना होगा और अगर हम इस पूरी इक्वेशन को मनफ़ी तीन से ज़रब दे दें और फिर इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को इस ऊपर वाली इक्वेशन में जमा कर दें तब तो शायद हम इस इक्वेशन को एस के लिए हल कर पाएंगे तो भाई अगर इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को हम मनफ़ी तीन से ज़रब देंगे तो दो भी ज़रब मनफ़ी तीन बराबर हो जाएंगे मनफी मनफी तीन जरब मजबत तीन एस बराबर हो जाएंगे मनफी नौ एस के और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी जाएगीस यानी मनफी निरानवे के अच्छा अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में जमा करेंगे तो भाई छे छी तो आपस में कट जाएंगे लेकिन साथ ही साथ नौ एस और मनफी नो भी आपस में कट जाएंगे तो भाई बाएं तरफ तो सिर्फ सिफ़र रह जाएगा और ये बराबर होगा भाई तिरानवे और मनफ़ी तिरानवे भी आपस में कट जाएंगे तो यहाँ भी सिफर रह जाएगा तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमारे पास इक्वेशन आ गई है कि सिफर बराबर है सिफ़र के और ये बात तो हर बी और s की कदर के लिए सही होगी और भाई इसीलिए हमारे पास इस निज़ाम के लिए लातादाद हल निकलेंगे भाई आपस की बात यह है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है हमें इतनी जानकारी सवाल में दी ही नहीं कि हम बी और एस की इकदार मालूम कर सकें तो अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है और हम इस सवाल को आगे मज़ीद हल नहीं कर सकते